ये जो देख रहे हैं ये न्यू पिक्सल है, आरजे आरवी में 12 का पिक्सल है। चलिए इसके बारे में देखते हैं आज। हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू नूले एंटरप्राइजेस। फ्रेंड्स चलिए आज आपके लिए कुछ एक अलर्ट अपडेट लेके आ चुके हैं। मार्केट में अभी तक आपने नहीं देखा होगा कि कुछ पिक्सल्स आया है मार्केट में, नया पिक्सल से अभी तक आपको देखा नहीं होगा, कुछ लोग देखा हो तो वेल एंड गुड। तो चलिए आज आपको एक पिक्सल दिखाएंगे। तो ऑलरेडी आपने देखा होगा सिंगल कलर का पिक्सल्स बहुत सारे देखा होगा, 3 इंच में सिंगल कलर आता है, 7 इंच में भी आता है, उसमें 8 कलर में मेरे पास तो अभी फिलहाल तो 7 कलर्स है, लेकिन आपको 8 कलर्स अवेलेबल करके देंगे हम। हमारा कंसाइनमेंट आने वाला है, हमारा तो कंसाइनमेंट 1-2 दिन में नहीं आता, तो इंपोर्ट किया हुआ है तो मिनिमम उसको 45-60 डेज टाइम लगने वाला है, लेकिन जल्दी आपको जैसे आएगा हम और एक वीडियो बना के अपडेट करेंगे। लेकिन हम कुछ सैम्पल्स मंगाया हमने, तो वो वाला आपको सैम्पल्स दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो वो पिक्सल्स दिखाने हैं आपको, क्योंकि आप ये अगर कैप चाहिए तो कैप भी हमसे आप परचेस कर सकते हो। ये वाला कैप आता है, इससे आपका ब्राइटनेस वापस बढ़ने वाला है, ऐसा लगा के आप चालू करोगे ना। ये सिंगल कलर का पिक्सल है ग्रीन वाला, इसका आप कैप बढ़ाओगे तो डेफिनेटली आपको 40-45% 50% पकड़ के चल ब्राइटनेस बढ़ेगा और दिखने में अच्छा दिखेगा। इसमें ऑल कलर से 7 कलर्स मिलेगा आपको, 3 इंच का भी है, 5 इंच का भी और 7 इंच का भी माल है इसके अंदर, ठीक है। तो ये तो सिंगल कलर का पिक्सल्स आपने बहुत सुना, आरजीबी का तो आपको सबको पता है, उसमें 28-11 का आईसी लगा हुआ था, 19-03 का आईसी रहता है, 28-18 का भी आता है, 19-16 का भी आता है, बहुत सारे आईसीज है। वन बाय वन आपको सब अपडेशन देंगे, सब का मटेरियल दिखाएंगे, जेल वायर भी है और उसमें वायर जो 4 वायर में भी है मेरे पास मटेरियल, 3 वायर में भी है, सब मटेरियल्स अवेलेबल है पिक्सल में, सब वन बाय वन अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करके रखिए, तो आपको आने वाला वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आएंगे। और एक बात आपको फ्रेंड्स मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास कुछ एक्रेलिक का काम रहेगा तो प्लीज़ हमको अपडेट करके, हमारे पास अभी यहाँ पे वीडियो बनाने के मतलब है कि हम हर अपने वीडियो देखा होगा कि मेरे कंप्यूटर के पास बना रहा था, ये वाला मशीन है, उसके बाद यहाँ पे बेंडिंग मशीन है, ठीक है। इसके ऊपर आपको जो चाहिए वो चैनल लेटर्स वगैरह चाहिए तो बना के ले सकते हो, उसके अंदर पिक्सल लगा के आप एकदम आप साथ साथ में पिक्सल के साथ साथ आप एक्रेलिक का बोर्ड का भी काम कर सकते हो, उसके लिए जो सपोर्ट चाहिए हम दे देंगे आपको, ठीक है। आपको ऑलरेडी एक वीडियो डाला था मैंने इलेक्ट्रिसिटी मेडिकल बोर्ड का, ये मशीन के ऊपर कटिंग करके लिया था, तब भी बताया था ये पूरे पिक्सल लगा के आपको दिखाया था पूरा ऐसा वाला। चलो ठीक है, अपडेशन देने वाले ये तो हमको खाली बता रहे हैं, वो भी मटेरियल दिखाऊंगा आपको, ठीक है। और एक अगर पॉली सीट चाहिए तो पॉली सीट के लिए हमसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सॉरी ये पॉली सीट है, पॉली सीट के भी कॉन्टैक्ट करते हो, ये पॉली सीट आपको ये मशीन के ऊपर कटिंग कर सकते हो। आपको दिखाता हूँ आपको वो लेटर है, ये जो लेटर भी आप बना सकते हो, वो भी इसको आपको जो चाहिए लेटर में जो चाहिए होल्स वगैरह बना के ये मशीन में CO2 लेज़र कटिंग मशीन में आपको करके देंगे। अगर कुछ आपके पास रिक्वायरमेंट रहेगा तो प्लीज़ अपडेट कीजिए, ये मशीन है, ठीक है। ये मशीन के अंदर ये सीट कटिंग होके मिलता है आपका, होल वगैरह सब मशीन में अंदर होने वाले। मशीन दिखा रहा हूँ आपको, अभी इसके अंदर हमने कुछ कटिंग किया था, ये वाला ये एक्रेलिक सीट है, ठीक है। इसके अंदर कटिंग करके जो कलर में चाहिए वो कलर में कटिंग करके देंगे। एक अपडेशन दिया मैंने आपको, और भी अपडेशन देता हूँ आपको, ठीक है। ये हुआ जो हमारा प्रोडक्ट के बारे में न्यू जो काम चालू कर रहे हैं, उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ अगर आपके कुछ रिक्वायरमेंट रहेगा तो हम तक पहुँचा दीजिए एकदम रीजनेबल रेट में। अभी पहले क्या होता था, हम दूसरे से मंगा के देना पड़ता था, आपको एकदम रीजनेबल में जो जितना हो सके उतना कम प्राइस में आपको देने का हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए सॉरी वो तो आपको हमने अपडेशन दे दिया, अभी आपको पिक्सल के बारे में बात करते हैं दोबारा। आप सिंगल कलर का पिक्सल देखा होगा, मल्टी कलर का भी पिक्सल देखा होगा आपने, ये मेरे पास जो है अभी जो देख पा रहे हैं आप, इसमें आपका कांच का पिक्सल देखा होंगे आपको, पुराना वाला आप जो सीरीज में आपको चाहिए तो वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपने देखा होगा ये 8 mm का भी, इसमें AC वाले भी आया है आजकल मार्केट में, ये DC है ये, ठीक है। ये सीरीज़ देखा होगा अपने, इसने ऐसा वाला वेनी वाला सीरीज़ बोलते हैं हम यहाँ पे महाराष्ट्र में वगैरह, ठीक है। ये वेनी वाला एक फीट को भी आता, 7 इंच को 9 इंच का आता था। ये जो बल्ब है 5 mm 8 mm में आते थे, वो DC बल्ब रहते थे, उसका रजिस्टर एक रेक्टिफायर लगा के आप ये सीरीज़ बनाते थे। इसमें क्या होता था, अगर एक बल्ब जाएगा तो पूरा आपका सीरीज़ हाफ सीरीज़, अगर 100 बल्ब का बनाएंगे एक सीरीज़ का कौन सा बल्ब जाएगा तो एक सीरीज़ पूरा बंद रहता था आपका, 50 बल्ब का हो या 100 बल्ब का हो, ठीक है। तो ये सीरीज़ में थे, इसमें शॉक का भी प्रॉब्लम था और ये कॉस्टली भी जा रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आप मार्केट में देखोगे अभी 1200-1500 AC वाला बल्ब के जो LED आ रहे हैं पिक्सल में जो बोल रहे हैं AC वाला,
वो लगभग 4.5-5 रुपये की एक बल्ब मिलता है, एसी बल्ब, उसमें बना रहे सीरीज। उससे बेहतर मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ, ये सिंगल कलर में भी बना सकते हो। लेकिन इसमें और एक बता दें, इसमें क्या ना सिंगल कलर का है, एक ही कलर चलेगा। इसमें क्या ना RGB मिलते थे, RGB और RGB भी मिलता है ये बल्ब के अंदर। उसमें रेड ग्रीन रेड ब्लू, रेड ग्रीन रेड ब्लू ब्लिंक होता रहता है, नहीं तो RGB रेड ग्रीन ब्लू भी ब्लिंक होता है। तो इसको रिप्लेसमेंट के लिए हमने एक मटेरियल लेके आ चुका है, वो है डुअल कलर का ए पिक्सल। ये जो 12 वोल्ट के ऊपर चलने वाले पिक्सल है, ये रेड चलता था, ये ब्लू चलता था, ग्रीन चलता था, एक ही कलर चलता था 12 वोल्ट में। लेकिन ये जो पिक्सल से RGB है, और RGB में भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें डेटा का कुछ देने का नहीं, इसके अंदर आप देख पाओगे तो इसमें 2 ही वायर है, ठीक है। इसके अंदर 2 ही है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, आपको दिखाता हूँ। देखिए 2 ही वायर है इसके अंदर, एक पॉजिटिव और नेगेटिव है, 2 वायर है। और ये सीरीज़ में नहीं है, अगर आप मान के चलिए सीरीज़ में होंगे उसका जो बताया था एक बल्ब गया तो पूरा जाता था, ये सब पैरेलल में लगा। आप 2 बल्ब पे चला सकते हो, 12 वोल्ट के ऊपर एक भी चला सकते हो, 50 चलाओ, 100 चलाओ, 150 चलाओ, 200 चलाओ, जितना मन चाहिए उतना चलाओ। ये 5 इंच में है, अगर आप 5 इंच का तो मेरे पास माल आने वाला है, ये चला के दिखाता हूँ। अगर आपको और कुछ चाहिए 3 इंच का और है, इसमें तो सब कलर मिलने वाले हैं, 5, 7, 3। अगर चाहिए तो कुछ देखते हैं, 12 का डिमांड रहेगा तो वो भी मंगाएंगे 12 इंच में भी, और इसमें भी ऐसे जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा उसके हिसाब से हम मंगाएंगे। फिलहाल खाली अभी 5 इंच में माल मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम है, लेकिन सिर्फ अभी हम अपडेशन दे रहे हैं। इसको आपको हम चला के दिखाएंगे ये कैसा है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और ये इसका प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए मुझे ये कैसा लगा आपको वीडियो, ये चलेगा नहीं चलेगा। आपसे मैं रिव्यूज़ मांग रहा हूँ, प्लीज़ इसके बारे में आप रिव्यू दे दीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप में मुझे कमेंट करके बताए तो भी चलेगा। चलो अभी हम इसको चला के दिखाता हूँ 12 वोल्ट के ऊपर कैसा है क्या है। चलिए देख, चलिए सर अभी मैं यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर सप्लाई ले चुका हूँ, ठीक है। 12 वोल्ट 1 एम्पियर के ऊपर दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है इसके अंदर, ठीक है। ये 5 ये मैं कटिंग नहीं किया, डायरेक्ट आपको यहाँ पे अडाप्टर में डाल के दिखाता हूँ। मैंने अभी पॉजिटिव पावर सप्लाई दे दिया और ये नेगेटिव दे रहा हूँ इसको, देखिए अभी मैंने यहाँ पे नेगेटिव दिया, खाली शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको, एक मिनट रुकिए, सॉरी। ये देखिए मैंने जैसे पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट करके देखा तो आप देख पा रहे ये डुअल कलर का पिक्सल है, ठीक है। कैसे चलना चालू हो चुका है, देखिए RGB में ये जो है सिंगल कलर में एक ही कलर में चलता था, ठीक है। इसमें देखिए इफेक्ट्स, देखिए चाहे तो मैं लाइट ऑफ करके भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये अभी लाइट ऑफ करके देखने के बाद देखिए कैसा इसका इफेक्ट से ब्राइटनेस कैसे, देखिए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, तो आने वाला नोटिफिकेशन आप तक जल्दी लेके आएंगे। ये है 12 वोल्ट का पिक्सल है, 12 वोल्ट का पिक्सल है RGB में, देखिए रेड ग्रीन रेड ब्लू, रेड ग्रीन रेड ब्लू ब्लिंक हो रहा है। इसमें ना डेटा देना है आपको, कुछ नहीं, ये यूज़ करके आपको जैसे चाहे वैसे इफेक्ट बना सकते हो। इसके लिए आपको ये चलो ये कैप लगा दो इसके अंदर, ठीक है। अभी देखिए मैं कैप का भी यहाँ पे एक डेमो दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ऐसा कैप लगा भी सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। एक घुमाओगे तो कैप भी लग जाएगा, एकदम सुंदर सा इफेक्ट चलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो अगर और कुछ कमेंट में आपका कुछ क्वेरीज रहेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रखिए, तो आपको सब डिटेल्स बता दूंगा। ये एकदम बढ़िया पिक्सल लग रहा है मुझे, प्लीज़ आपका रिव्यूज़ का हमको सख्त ज़रूरत है, तो आप रिव्यूज़ कीजिए, तो वहाँ पे आपका कमेंट्स के ऊपर हम इसको डिसाइड करेंगे ये पिक्सल मंगा के चलाएँगे कि नहीं चलाएँगे, ठीक है। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए, तो आने वाला वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आते रहेंगे। Thanks for watching my video.